मौर्य गुरु, क्या नीट 2024 का एग्जाम कैंसिल होकर दोबारा एग्जाम हो सकता है? बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर बहुत सारे लेटेस्ट डेवलपमेंट हुए, क्या उसके बेस पे एनटीए अपने डिसीजन को चेंज कर सकता है, क्या हो सकता है, इसी के बारे में वीडियो है। कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट पहले मैं बताता हूँ, उसके बेस पे एनटीए अपना स्टैंड क्या रख सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है, ये हम बात कर लेते हैं। लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हुआ है, पहला ये सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट कि ओएमआर सीट से रिलेटेड जो आयुषी नाम की एक लड़की थी जिसने बोला था कि मेरा ओएमआर सीट फटा हुआ दिया था, उसका एनटीए ने मेल किया था, वो गलत था, फेक था, और एनटीए उस पर लीगल एक्शन भी ले सकता है अगर वो चाहे तो। ऐसा सुनने में आ रहा है कि लीगल एक्शन भी ले सकता है एनटीए कि आपने फेक इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पर डाली हुई है जिससे बच्चों को परेशान किया, पहला डेवलपमेंट ये। दूसरा, एक सुप्रीम कोर्ट की तक टिप्पणी आई थी कि अगर आपको लगता है कि 0.001% भी आप एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में फेल हुए हैं या कहीं पर आपसे गलती हुई है, वैसे देखा जाएगा तो गलतियां बहुत सारी हुई हैं, क्या एनटीए उसके एक्सेप्ट करता है, तो आप उसको हाँ बोलिए और उस पर क्या काम करने जा रहे हैं इस पर बताइए। अगर कोई भी सिंपल सी बात है, ये मैं अभी पहले से भी बोल रहा हूँ कि कोई भी अगर आपका रिजल्ट देख लेगा और परफॉर्मेंस देख लेगा स्टूडेंट की, तो आप सीधे बता सकते हो कि क्या हुआ है। लेकिन एक्चुअल में क्या एनटीए इससे प्रभावित है? क्या जितने केसेस आए हुए चीटिंग के पकड़े गए हैं, जहां पर भी जितने केसेस पकड़े गए हैं, चाहे वो सेलफोन से रिलेटेड हो, पेपर लीक से रिलेटेड हो, आंसर की से रिलेटेड हो, या पेपर जो सोशल मीडिया में घूम रहा था, क्या इससे रिलेटेड उसके पास एविडेंस है कि नहीं है, क्या एनटीए इसको मानता है कि नहीं मानता है, ये ज़्यादा ज़रूरी बात है। क्योंकि टिप्पणी तो इस तरह की बहुत सारी आ चुकी है, एक सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी टिप्पणी दी थी कि इसकी जो पवित्रता है उसको भंग नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बच्चों का कॉन्फिडेंस अगर किसी परीक्षा को लेके गड़बड़ हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, ये पहले भी आ चुका है। दूसरी टिप्पणी ये आई कि अगर आपको 0.001% भी डाउट हो रहा है तो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में गलतियाँ हुई हैं, गलतियाँ तो अगर पेपर बांटने में भी गलतियाँ हुई है, रॉन्ग पेपर और टाइम डिले, ये सब देखा जाए तो गलतियाँ तो बहुत सारी हुई हैं, पेपर लीक से भी गलतियाँ हुई होंगी। क्या एनटीए के पास प्रॉपर प्रूफ है? क्योंकि एनटीए तो ये मानने को तैयार नहीं है कि उसकी तरफ से कोई पेपर लीकिंग का इशू आया है या उसके पास कोई ऐसा एविडेंस है। उसका कहना सीधा सीधा ये कि 1563 बच्चों का जो ग्रेस मार्क्स का इशू था वो हमने सॉल्व कर दिया री एग्ज़ाम करा के। क्या यही फैक्टर वो लेके जाएगा? क्योंकि जो वो प्रोड्यूस करेगा एनटीए, जो भी एविडेंस प्रोड्यूस करेगा, जो रिपोर्ट प्रोड्यूस करेगा, उसी रिपोर्ट के बेस पे आपका 8 तारीख को रिजल्ट भी आ जाएगा। एनटीए अगर कहता है कि हमें ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं मिला, या जहाँ जहाँ केसेस पकड़े गए हैं, जहाँ जहाँ केसेस हमको मिले हैं वो सारे पकड़ लिए गए हैं, मास लेवल पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो उसी के हिसाब से डिसीजन भी आ जाएगा। एनटीए ये कभी भी नहीं मान रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी तो आएगी क्योंकि बहुत बड़ा इशू हो गया, अगर आप देखोगे ना बहुत बड़ा इशू हो गया है, ये नीट के इतिहास में पहली बार इतना हुआ जो मास प्रोटेक्शन इतना ज़्यादा हुआ है, मास प्रोटेस्ट हुआ है इतना ज़्यादा, वरना इतना ज़्यादा नहीं होता है। वाकई में अगर रैंक इन्फ्लेशन देखी जाए तो तब तो दिमाग आउट हो जाता है कि रैंक इन्फ्लेशन तो बहुत ज़्यादा हुआ है। अब क्या एनटीए एक्सेप्ट करता है गलती? अगर एक्सेप्ट करता है कि पेपर लीक हुआ है तो एनटीए की साख तो ख़त्म हो जाएगी, जिस तरह से सीबीएसई की 2015 में साख ख़त्म हो गई थी, पेपर लीक का इशू आया था और री एग्ज़ाम हुआ था और पूरा सीबीएसई डिसॉल्व कर दिया गया था, एनटीए एग्ज़ाम कराना शुरू कर दिया था। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर ऐसा होता है तो एनटीए तो पूरी तरह से निस्तो नाबूद हो जाएगा, री एग्ज़ाम अगर कंडक्ट कराना पड़ा ऐसा कुछ उसके पास प्रूफ आता है तो। हालांकि इसे चांसेस बहुत कम है क्योंकि वो पहले से ही कह रहा है कि हमने जो जांच की है उसमें कहीं ऐसा कोई तथ्य हमें मिला नहीं है, ये एनटीए का कहना है। तथ्य मिला नहीं है ये बात अलग हो गई, हुआ है ये बात अलग हो गई है, क्योंकि वो वही प्रोड्यूस करेगा जो उसके पास होगा। और कोई भी कहने का सीधा मतलब दोनों पक्ष हैं, स्टूडेंट का पक्ष है, एनटीए का पक्ष है। एनटीए कभी भी नहीं चाहेगा कि वो अपने फ्लॉस को बताए, जो फ्लॉस थे उसने बता दिए कि 1563 का एग्ज़ाम हमने करा दिया। एनटीए पूरी कोशिश करेगा उसको री एग्ज़ाम कंडक्ट न कराना पड़े, क्योंकि इससे पूरी पूरी गवर्नमेंट पे, सेंट्रल गवर्नमेंट पे ये पूरा मैटर चला जाएगा कि एग्ज़ाम कराने में बहुत बड़ा घपला हुआ है और इससे बैकफुट पे हो जाएगा हिसाब। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि पूरी कोशिश करेगा एनटीए
कि 1563 बच्चों का जो एग्ज़ाम हुआ है बस वहीं पे ये सीमित हो जाए। इसके अलावा जो केसेस हुए हैं वो एनटीए ने फाइंड आउट करके सॉल्व कर दिए। यही उसका मैटर हो